अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मुजफ्फर सर। और आज हम लोग, जैसा कि हमारा पहला जो भाग है, भाग एक, यूनिट वन हम लोग का अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। और आई होप कि यूनिट जो वन है उसकी आप प्रैक्टिस कर रहे हो। लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ टास्क दिया था, लेकिन मैं आपको पहले ही बोल चुका, बहुत कम इंटरेस्ट मुझे दिखा स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट्स, अगर ऐसा रहा तो आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। और नेक्स्ट टाइम से मैंने सोचा हूँ कि अगर मैं टास्क दूंगा और अगर आप वो कंप्लीट नहीं करोगे तो मैं आपके पेरेंट्स से बात करूँगा फिर कॉल करके कि आपने टास्क कंप्लीट किया या नहीं किया, अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया। तो इसके बाद से जब भी मैं टास्क दूँगा तो आप उसको सिंसियरली कम्प्लीट कीजिए। ये सब टास्क आप लोग के लिए है, आपके बेनिफिट के लिए है, क्योंकि देखो मैं पढ़ा के हट जाता हूँ लेकिन आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो वो अब मैं नहीं देख सकता। सामने क्लास में हम लोग सामने करवाते हैं वर्कबुक को, लेकिन अभी वैसा टाइम ही नहीं है। तो बस इतना ही कहूँगा कि स्टूडेंट्स, आप सिंसियरली प्रैक्टिस करते रहो। तो अभी हम लोग भाग दो शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहली जो आपकी पोएम है वो है दोन दिवस। तो मैं ये एक ही पोएम कम्प्लीट करूँगा, क्योंकि कैसा है, ये पोएम जो है दोन दिवस, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोएम है। भले ये देखिए कि आपकी बहुत छोटी पोएम है, लेकिन इसके अंदर का जो एक्सप्लेनेशन है, उसका जो डिटेल मीनिंग है, वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो मीनिंग लिखिए, नहीं है तो नोटबुक में लिखिए। तो दोन दिवस, दोन मतलब, जैसा दोन मतलब टू, दिवस मतलब डेज, टू डेज। तो ये जो पोएम है, ये पोएम दोन दिवस जो है, इसके अंदर जैसा नॉर्मली देखो, हम लोग कभी कभी बात में बोलते हैं कि दो दिन की ज़िंदगी, तो दो दिन की ज़िंदगी कहना ये एक सिर्फ एक स्टाइल होता है, एक तरीका होता है। तो दो दिन की ज़िंदगी मतलब हमारे एक और दो, ऐसे दो दिन की ज़िंदगी नहीं है, ये खाली एक कहने का तरीका होता है कि जितने भी ज़िंदगी हम जियेंगे। तो नॉर्मली लोग कहते हैं कि जो ज़िंदगी होती है वो दो दिन की होती है। तो ये जो पोएम है, इस पोएम में नारायण सुर्वे ने ज़िंदगी की रियलिटी को हमारे सामने रखा है। और ख़ास करके जो ऐसा तबका है, ऐसा जो मतलब जो समाज है, हार्डवर्किंग लोगों का, मज़दूर लोगों का, उन मज़दूर लोगों के समाज को, उनकी मेहनत को, उनके परेशानियों को इस पोएम में नारायण सुर्वे ने डिस्क्राइब किया है। पहले चैप्टर में हमने नारायण सुर्वे के बारे में पढ़ा, फिर हम लोग ने जो उपा चैप्टर किया है ना, तो ये सब का नाम आपके फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था, शाल में है ना। तो शाल चैप्टर के अंदर भी नारायण सुर्वे का जिक्र था, उसमें लिखा था ना कवि सम्राट। तो जैसे कि नारायण सुर्वे की जो पोएम है वो बहुत मशहूर है, उन्होंने, ये बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन है, नारायण सुर्वे अध्यक्ष रहे कई बार लिटरेचर डिपार्टमेंट में, और पोएम के अंदर, पोएम में उनका तो बहुत ज़्यादा नाम है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से उनका नाम लिया जाता है। तो बहुत बड़ा नाम है नारायण सुर्वे। तो जैसे मैंने बताया कि मज़दूरों की ज़िंदगी को इस पोएम में डिस्क्राइब किया। आपके सामने परिचय के दो पैराग्राफ है, जिसमें से हम सेकेंड पैराग्राफ देखेंगे। या कवितेतून फ्रॉम दिस पोएम, दोन दिवस वाट पाहण्यात गेले, दोन दुखात गेले। दोन दिवस वाट पाहण्यात गेले, वाट पाहण्यात मतलब इंतज़ार करने में। दोन दिवस दुखात गेले, दुखात मतलब सैडनेस। ओके, तो ज़िंदगी के दो दिन इंतज़ार में गए, दो दिन दुख में गए। असे जीवनाचे वास्तव्य, जीवनाचे वास्तव्य, जीवनाचे लाइफ, वास्तव्य रियलिटी, ऐसी जो रियलिटी है जो लाइफ की, चित्र रेखाटताना, डिस्क्राइब्ड करते वक्त, भाकरीचा चंद्र शोधण्यात जिंदगी बर्बाद झाली, भाकरीचा चंद्र शोधण्यात। अब स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा हम एक एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भाकरी सा चंद्र जो है उसको एक्चुअली कंपेयर किया है। देखो, चंद्र जो होता है मून,
वो खूबसूरती का प्रतीक है, मिसाल है, एग्जाम्पल है। और भोग जो है वो फैक्ट है, ट्रू है। अब इसमें क्या बताया, भाकरीचा चंद्र शोधन्यात, भाकरीचा चंद्र, एक्चुअली इसका मतलब कैसा है, जो देखो फुल मून होता है, तो फुल मून जो होता है ना, उसका जो शेप अगर आप देखोगे ना, राउंड सर्कल, तो वो रोटी की तरह दिखता है, गोल है ना शेप। और उस मून को कंपेयर किया भाकरी से, मतलब रोटी से। तो भाकरीचा चंद्र मतलब ये हो गया है कि ऐसा एक एग्जांपल दिया है कि मून जो है वो भाकरी की तरह, मतलब एक फ्लैट ब्रेड की तरह है ना। तो जो जो भूखा इंसान होता है ना, वो उसके लिए ना, उसके लिए प्लेट की जो रोटी होती ना, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, ना कि आसमान में दिखने वाला चांद। तो आई होप आपको समझ में आया होगा भाकरी का चंद्र को क्या बताना चाहता है पोएट। वो कहता है कि हंगर इज़ मोर प्रेशियस है ना देन मून इन द स्काई, भूख बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आसमान के चांद से ज़्यादा। तो कभी आप फुल मून डे आएगा तो आप किसी गरीब को बोलो, देखो आसमान में कितना खूबसूरत गोल चांद है, तो उसके लिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए पास इतना टाइम भी नहीं है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है उसके पास कितना खाना है, समझो स्टूडेंट। और वो उस भाकरी के चांद के जो शेप है ना, उसके अंदर रोटी ही ढूंढता है वो। तो भाकरीचा चंद्र शोधण्यात जिंदगी बर्बाद झाली, मतलब लोगों की ज़िंदगी जो है वो बर्बाद हो गई सिर्फ अपने लिए, अपने घर वालों का पेट भरने। असे भीषण जीवन सत्य, और ऐसा ये ग्रेट, भीषण मतलब ह्यूज, जीवन सत्य, रियलिटी ऑफ लाइफ कवि ने मान लिया है, पोएट ने इस पोएम में डिस्क्राइब किया है। पण हे सत्य मानताना, लेकिन ये सच्चाई को डिस्क्राइब करते वक्त, जगाचा या शाळेत, दुनिया के स्कूल में, यानी दुनिया को स्कूल कहा गया है, दुख पचून जगण्याची, और इस गम को हजम करने की शिकवण आपल्याला मिळण्याचे ते सूचित करतात। और इस पोयम में पोएट हमें ये बता रहे हैं कि तो ज़िंदगी की सच्चाई क्या है, उन सच्चाई को इस पोयम में पोएट ने डिस्क्राइब किया है। ठीक है, तो हम लोग पोएम का एक पैराग्राफ का मीनिंग और फिर उसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे पैराग्राफ वाइज। ठीक है, दोन दिवस वाट पाहण्यात गेले, दोन दिवस वाट पाहण्यात गेले, दोन दुखात गेले, वाट पाहण्यात मतलब वेट करने में, दुखात मतलब सैडनेस में, गम में। हिशोब करतो आहे, हिशोब, हिशोब का मतलब लिखो कैलकुलेशन, कैलकुलेशन, हिशोब करतो आहे किती राहिलेत डोईवर उन्हाळे, किती राहिलेत, किती राहिलेत मतलब हाउ मच रिमेन, कितना बचा है, डोईवर उन्हाळे, डोईवर, डोईवर मतलब ऑन दी हेड या ओवर दी हेड, डोक्यावर है ना, सिर पर, उन्हाळे, उन्हाळे का जो रियल मीनिंग है वो है धूप है ना, सूरज की सनलाइट, सनलाइट लिखकर ब्रैकेट में लिखो टेंशन, गम, टेंशन ज़्यादा सूटेबल वर्ड है। शेकड़ो वेड़ा चंद्र आला, शेकड़ो वेड़ा, लॉट्स ऑफ टाइम, चंद्र आला, चंद्र, मून, तारे फुलले, तारे स्टार्स, फुलले यानि आसमान में दिखाई देना, तारे मतलब स्टार्स, फुलले मतलब दिखाई देना। रात्र धुंद झाली, रात्र, नाइट टाइम, धुंद झाली, अब रात्र मतलब नाइट टाइम है ना, धुंद झाली, तो धुंद झाली का मतलब क्या हुआ, जैसे हम कहते हैं ना
कि कैप्टिवेटिंग नाइट्स, है ना। कैप्टिवेटिंग नाइट्स मतलब क्या, जैसा हम कहते हैं ना कि इसको मैं ऐसा कहूँगा कि शीतल, एकदम ठंडी जो रात होती है जिसमें ठंडापन होता है, ठीक है, ठंडापन होता है ऐसी रात, तो भाकरीचा चंद्र शोधण्यात, भाकरीचा चंद्र शोधण्यात, जैसा मैंने आपको भाकरी का चंद्र अभी बहुत डिटेल में समझाया हूँ, ठीक है, भाकरीचा चंद्र शोधण्यात जिंदगी बर्बाद झाली, जिंदगी बर्बाद झाली, जिंदगी बर्बाद होने, समझते ना कि सब कुछ ख़त्म हो जाना, सब कुछ ख़त्म हो जाना। तो पहले ये चार लाइन का हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते स्टूडेंट्स। दोन दिवस वाट पाहण्यात गेले, दोन दुखात गेले, तो हार्ड वर्कर के, वर्कर्स के जिंदगी को डिस्क्राइब करते हुए नारायण सुर्वे कहते हैं कि दोन दिवस वाट पाहण्यात गेले, दोन दुखात गेले, मतलब इंसान की जो जिंदगी है वो जैसे दो चार दिन की है ना। अब इन समझो, चार दिन में, चार दिन की ज़िंदगी में दो दिन जो है उसकी जो है ना इंतज़ार में चली गई, वाट पाण्यात गेले, इंतज़ार में चली गई। क्या चीज़ का इंतज़ार, कि मतलब ज़िंदगी में जो है ना चांगले जीवन मिलेगा, यानी अच्छी ज़िंदगी हमें मिलेगी, अच्छे दिन आएंगे। आप समझ रहे होगे, अच्छे दिन आएंगे भी हम कई बार सुन चुके हैं न्यूज़ चैनल्स पे। तो यहाँ पे हार्ड वर्कर कहते हैं कि हम दो दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारे अच्छी ज़िंदगी हमें मिलेगी। दोन दुखात गेले मतलब जो और जो बची हुई जो दो ज़िंदगी है वो दुखात गेले, मतलब टेंशन में गए जा रहे हैं कि मतलब कैसे मैं कमाऊँगा। जो वर्कर होते हैं वो कहते हैं कि वो सोचते हैं कि कैसे मैं अपने बीवी बच्चों को खुश रखूँगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को स्टूडेंट्स। हिशोब करतो आहे किती राहिले डोईवर उन्हाळे, हिशोब करतो आहे, और जैसे कि मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कि मेरे सिर पर अब कितने दिन तक और ये धूप रहेगी, मतलब मेरे सिर पर कितने दिन तक और ये टेंशन रहेगा। जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, सनलाइट को हमने मीनिंग भी लिखा है कि इसमें यहाँ पे कंपैरेटिव मीनिंग है टेंशन से। तो एक हार्ड वर्कर कह रहा है कि दो ज़िंदगी इंतज़ार में चलेगी कि अच्छी ज़िंदगी कब मिलेगी, दो ज़िंदगी दुख में चलेगी, बस लाइवलीहुड ज़िंदगी कैसे मैं गुजारूँ। हिशोब कर तो आए कितनी राहिले डोईवर उन्हाड़े, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ और कितनी ऐसी टेंशन से भरी ज़िंदगी मेरे सिर पर बची है। तो एक वर्कर ये सोच रहा है, शेकड़ों वेला चंद्र आला, तारे फुले, रात्र धुंध झाली, मतलब कई बार आसमान में चांद आया, तारों का आना हुआ, रात धुंध, मतलब जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ठंडापन रहा रात में, खुशी रही, भाकरीचा चंद्र शोधण्यात जिंदगी बर्बाद झाली। लेकिन ये सब तो बाजू में रह गया, लेकिन पूरी ज़िंदगी जो है ना सिर्फ अपनी और अपने घर वालों की भूख मिटाने में चली गई, मतलब ज़िंदगी सिर्फ मेहनत में ही गुजर गई। तो आसमान में चांद का आना, तारों का आना, रात का धुंध होना, ये सब एक एक हार्ड वर्कर के लिए ना कुछ मैटर नहीं करता। उसकी ज़िंदगी सिर्फ बर्बाद हो जाती है अपने घर वालों को खिलाने और पिलाने में। तो स्टूडेंट्स, एक बात ये पैराग्राफ से हमको ये समझ में आ रही है कि जो हार्ड वर्कर्स होते हैं, जो मेहनत करने वाले जो कामगार होते हैं, उनकी लाइफ इतनी आसान नहीं है जितनी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी है। आज हमें हर चीज़ मिल रही है, आपको नहीं सोचना है कि आगे हमें क्या करना है। आपके पेरेंट्स आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे भी इंशाल्लाह ऐसा सपोर्ट करते रहेंगे। बस आपसे वो चाहते हैं कि आप एक अच्छी पढ़ाई करो, ज़िंदगी में कुछ करो। आप आज आपको क्या नहीं मिल रहा है, घर में बैठे खाना पीना हर चीज़, अभी तो और आसान हो गई ज़िंदगी। अभी तो हम लोग लेक्चर लेते, आप तो सब मोबाइल लेके सब मस्त सोफ़े पे लेट कर, पलंग पे लेट कर, ईयरफोन लगा के, एसी चालू करके,
साइड में शरबत है ना, जूस, ये वो खाने पीने की चीज़ें रखकर आराम से आप लेक्चर देख रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छी आपकी ज़िंदगी चल रही है, लेकिन उसके बाद भी हम उतनी प्रैक्टिस नहीं कर रहे जितना हमें करना चाहिए। तो अगर कोई चीज़ की कमी है तो हमें अपने से कम लोगों को देखना है। आप उन वर्कर को देखो जिनको खाना पीना नसीब नहीं है, उनके बच्चे भूखे हैं, तो उनकी ज़िंदगी तो बस हिसाब करने में चली जाती है कि कितना अब मेरे ऊपर टेंशन है। उनको फ़र्क नहीं पड़ता चाँद के आने से, तारों के आने से, रात के ठंडेपन से, बारिश से, गर्मी से, ठंडी से, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उनके दिमाग में सिर्फ एक बात है, मुझे अपने फैमिली को इन चीज़ों से सर्वाइव करवाना है। तो ये उनकी ज़िंदगी है। आई होप आपको फर्स्ट पैराग्राफ समझा होगा। चलिए सुन, आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड पैराग्राफ की तरफ। पहला मीनिंग रीड करके मैं पढ़ लेता हूँ। हे हाथ माझे सर्वस्व, हे हाथ, हाथ मतलब हैंड्स, माझे सर्वस्व, सर्वस्व का मतलब होता है स्वतःचे अस्तित्व, इसको हम कह सकते हैं एवरीथिंग, एवरीथिंग। दारिद्र्याकडे गहाणच राहिले, दारिद्र्य, दारिद्र्य मतलब दैन्य, गरीबी, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं पॉवर्टी, गरीबी है ना, पुअरनेस। गहाणच राहिले, गहाण मतलब तारण ठेवणे, तारण का मतलब होता है टू पुट डाउन, यानी जैसा हम लोग देखो कोई चीज़ हिंदी में हम कहते हैं गिरवी रखना, तो गहाण मतलब गिरवी रखना, पुट डाउन। कधी माना उंचावले ले, कधी मतलब समटाइम्स, माना मतलब नेक, गर्दन, उंचावले ले, उंचावले ले मतलब उभारले ले, उभारले ले मतलब रेज्ड, लिफ्ट अप, रेज, RASED, रेज्ड। कधी कलम झालेले पाहिले, कधी समटाइम्स कलम झालेले, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया भाकरीचा चंद्र, वैसा मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। कलम झालेले हाथ मतलब क्या? देखो हाथ जो है वो हार्डवर्क का एक प्रतीक है, एक एग्ज़ाम्पल है। मज़दूरों के जो हाथ होते हैं ना, वो हमेशा मेहनत करने में बिज़ी रहते हैं, ठीक है, हमेशा उनको टेंशन रहता है कि हम कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो यहाँ पर देखो कलम का एक मतलब होता है चॉप्ड, कटे हुए, कलम झालेले मतलब कटे हुए, लेकिन यहाँ पे आप ऐसा लिखो कलम झालेले कटे हुए, चॉप्ड, और ब्रैकेट में लिखो, जैसा कि हम इसको कह सकते हैं कि बंधन कारक। बंधन कारक मतलब क्या मालूम है? टाइड, TIED, टाइड डाउन मतलब बंधे हुए, कलम झालेले चॉप्ड स्लैश टाइड, कंपेरेटिव मिलेंगे टाइड। तो इनके हाथ बंधे हुए हैं, बंधे हुए मतलब जिंदगी भर तक बंधे हुए हैं मेहनत करने में। हम लोग एक्सप्रेशन देखते आगे। हर घड़ी अश्रू वाळविले नाहीत, हर घड़ी प्रत्येक वेळी, एवरी टाइम, हर घड़ी एवरी टाइम, अश्रू, अश्रू मतलब टीयर्स, आंसू, वाळविले नाही, वाळविले मतलब सुकवले, सुकवले मतलब ड्राइड अप, ड्राइड मतलब सुखाना। हर घड़ी अश्रू वाळविले नाहीत, पण असे ही क्षण आले, असे ही क्षण मीन्स, क्षण मतलब मोमेंट, ऐसे भी मोमेंट आए, तेव्हा अश्रूच मित्र होऊन सहाय्यास धावून आले, तेव्हा अश्रूच मित्र होऊन, मित्र मतलब फ्रेंड, सहाय्यास धावून आले, सहाय्यास फॉर हेल्प, मदत करणे है ना, टू हेल्प ऑफ, टू द रेस्क्यू, तो रेस्क्यू करने, मदद करने, आंसू ही आए। अब स्टूडेंट्स हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ठीक है। हे हाथ माझे सर्वस्व, दारिद्र्याकडे गहाण राहिले, कधी माना उंचावलेले, कधी कलम झालेले पाहिले। पोइट यहाँ पे कहता है कि जो मजदूर है वो कहता है कि इन हाथों से मैंने मेहनत की, ये हाथ मेरे लिए सब कुछ है,
और मेरा यही काम है, मेरा यही काम है कि अपने घर वालों को अच्छे से अच्छी ज़िंदगी प्रोवाइड करना। तो राइटर क्या, पोइट क्या कहता है कि हाथ माझे सर्वस्व, ये हाथ मेरे लिए सब कुछ है, देखो बिना हाथ के मजदूर काम ही नहीं कर सकता। दारिद्र्याकडे गहाण राहिले, मैंने जैसे कि अपने हाथों को गरीबी को गरीबी की तरफ गिरवी रख दिया हूँ। मतलब जैसा कि हम कोई चीज़ किसी चीज़ के बदले गिरवी रखते हैं, फिर उसे छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। तो एक गरीब आदमी कहता है कि मैंने अपने हाथों को गरीबी को ही गिरवी रख दिया हूँ, मतलब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मुझे हाथ से मेहनत करते ही रहना है। आई होप आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट। कभी माना उनसाव ले ले, कभी कलम झाले ले पाए ले। पोइट कहता है कि गरीबी के मुड़े, जो गरीबी है उसकी वजह से, कि मतलब मैंने काम में अपने आप को इतना बिजी कर दिया, इतना बिजी कर दिया अपने काम में, कि कभी मेरे हाथ ऐसा लगता है कि मैंने आसमान को अपने गोद में उठा लिया हूँ, मतलब इतनी मैंने मेहनत कर लिया। समझ में आ रहा है कुछ स्टूडेंट्स? और उसमें मुझे अभिमान मिला कि मैंने जो काम किया इससे मैं बहुत प्राउड फील किया, और ऐसा लग रहा है कि मेरी जो गर्दन है गर्व से ऊपर उठ गई हो कि मैंने इतना मेहनत किया करके। यहाँ पे कहा गया कि कभी माना उनसा ले ले, कभी मैंने अपने गर्दन को गर्व से ऊंचा होते हुए देखा हाथों की वजह से। कभी कलम झाले ले पाहिले, लेकिन कभी कभी गरीबी की वजह से ऐसा लगता है कि मेरे जो हाथ है वो टाइड है, बंधे हुए हैं, है ना, मैं कुछ नहीं कर सकता और बस मुझे मेहनत ही करना है। मेरे जो सपने हैं, मेरे जो स्वप्न हैं, मेरे जो ड्रीम्स हैं, वो ऐसे ही रह जाएंगे। तो कभी गर्दन प्राउड से ऊंची हुई, कभी हाथ बंधे हुए लगे, क्योंकि बंधे हुए तो है ही, क्योंकि मेहनत के अलावा मैं कुछ और नहीं कर सकता। तेव्हा अश्रुच मित्र हूँ साहयास धावून आले, जब मैं रोया, जब ये मैं कष्ट सहन कर रहा था तो आँखों से हर बार आंसू आए, ऐसी ज़िंदगी से मैं परेशान हो गया, लेकिन इन आंसू ने ही मेरा साथ दिया, और ये आंसू ही दोस्त की तरह मेरी मदद करने के लिए भाग क्या है, मुझे मोटिवेट इन्हीं आंसुओं ने ही किया। आंसू को मैंने पोंछ दिया अपने हाथों से, फिर दिल में सोचा कि नहीं, कुछ अच्छा वक्त भी आएगा, कब तक ऐसी तकलीफ़ भरी ज़िंदगी में जीऊँगा। तो यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है ना, ये पैराग्राफ में जो पोएट है वो क्या कह रहा है कि एक कामगार सोचता है कि हाथ मेरे लिए सब कुछ है, हाथ के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता, और इन्हीं हाथों को तो मैंने गरीबी की तरफ गिरवी रख दिया हूँ, कोई ऑप्शन ही नहीं मेरे पास। कभी मैंने अपनी गर्दन को ऊंचा उठते हुए देखा, अच्छे काम मैंने किया, गर्व फील हुआ कि मैंने अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ किया। कभी कलम झाले ले पाए ले, कभी मैंने अपने हाथ को बंधा हुआ पाया, क्योंकि देर इज़ नो ऑप्शन, है ना, कि ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास हार्डवर्क के अलावा। और हर बार आंसू बहे आंखों से, तकलीफ हुई, दर्द हुआ, लेकिन ऐसा भी मौका है कि इन्हीं आंसुओं ने दोस्त बनकर मेरी मदद की। समझा स्टूडेंट्स? तो मेहनत करते हमें रहना है, भले हमें तकलीफ़ हो, हमें रोना है, लेकिन हमें मोटिवेट होना है, हमें अपने आप को मोटिवेट करना है, हमें मेहनत करते रहना है। देखो मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। मैं हमेशा वही कह रहा हूँ ना आपको कि जब भी आपको ऐसा लगे तो आप हार्डवर्किंग लोगों को देखो। आप देखो धूप में पत्थर तोड़ रहे हैं, मट्टी उठा रहे हैं सिर पर, औरतें उनके बच्चे, अब ये लॉकडाउन में देखो ऐसे ऐसे बेचारे फैमिली को इतनी प्रॉब्लम हो गई कि उन्होंने कभी जो काम नहीं किया उनको करना पड़ रहा है, मतलब वो खाने पीने का सामान बना के बाहर सेल कर रहे हैं। अल्लाह उनको हिम्मत दे, मेहनत की रोटी कमाना उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अल्लाह से, खुदा से, गॉड से, भगवान से यही दुआ है कि सबको अच्छा रखे और ऐसी ज़िंदगी से हमें हमारी हिफाजत करे, और उन लोगों को हिम्मत दे जो ये काम कर रहे हैं। नेक्स्ट और लास्ट पैराग्राफ देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ रही है। तो पहले मैं रीड करके मीनिंग देख लेते हैं हम लोग। दुनियेचा विचार हर घड़ी केला, दुनियेचा विचार, दुनिया, दुनिया का विचार, सोचना हर घड़ी, प्रत्येक वेळी, एवरी टाइम। अगा जगमय झालो, अगा मतलब अरे, हम कहते ना ओ हे, एच ई वाय हे, ओ एच हो, जगमय झालो, अब जगमय। देखो हर पैराग्राफ में ना एक एक इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, जैसे भाकरीचा चंद्र,
दूसरे पैराग्राफ में था कलम झालेले, जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ये पैराग्राफ में है जगमय झालो। अब जगमय झालो का मतलब क्या? जगमय होने का मतलब होता है कि सिर्फ दुनिया के लोगों के दुखों को अपना मानना और उनको अपना समझना। जो ऐसा होता है ना इंसान, उसको कहते हैं जगमय। वो इंसान जगमय है, मतलब एब्जॉर्व इन द वर्ल्ड अराउंड, है ना, द कंसेप्ट बिग फुल ऑफ एम्पैथी टूवर्ड्स द एगोनी ऑफ पीपल अराउंड एंड सोसाइटी ऑफ द होल्ड। मतलब क्या होता है कि पूरे सोसाइटी में लोगों का जो दुख है उस दुख को अपना मानना, ठीक है, तो उस दुख को अपना समझ के चलना। तो जो लोग ऐसा करते उनको ये वर्ड यूज़ किया हुआ है कि जगमय झालो। तो जगमय वो इंसान होता है जो दुनिया की जो दुख को अपना मान के चलता है, जो दुनिया के लोगों की मदद करता है। उनको ऐसा लगता है कि उनका जो दुख है वो मेरा दुख है, ठीक है। दुख पेलावे कसे, दुख मतलब दुख, सैडनेस, पेलावे मतलब झेलावे, बेयर करना, BEER, यानी दुख को बेयर करना। पुनः जगावे कसे, पुनः मतलब अगेन, जगावे कसे मतलब हाउ टू लीव, कैसे जिंदा रहें। याच शाळेत शिकलो, याच शाळेत इन दिस स्कूल, मतलब इस दुनिया को एक स्कूल कहा गया, इसी स्कूल में मैं सीखा। झोत भट्टीत शेकावे पोलाद तसे, झोत भट्टी जो कारखाना होता है ना, उसके अंदर जो फर्नेस होता है जिसका हाई टेम्परेचर होता है मेटल को हीट करने, उसको कहते हैं झोत भट्टी। यानी मेटल को पिघलाने के लिए जो एक फर्नेस होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर मेटल को डालकर हीट करके उसे मेल्ड करते हैं ऑन हाई टेम्परेचर, है ना, तो उसको कहते हैं झोत भट्टी। जैसा भट्टी होती है, ओके, भट्टी आपको समझती होगी। शेकावे पोलाद तसे, शेकावे पोलाद, शेकावे मतलब उसे सेकना, उसे गर्म करना। पोलाद कहते हैं स्टील को, लोखंड को, मेटल को। आयुष्य छान शेकले, आयुष्य मतलब जिंदगी, वो भी अच्छी तरह से शेकले, मतलब वो भी अच्छी तरह से उसको कंपेयर किया है कि जिस तरह से पोलाद को सेका जाता है वैसे जिंदगी को सेका गया। आयुष्य छान शेकले, दोन दिवस वाट पाहण्यात गेले, दोन दुखात गेले। तो स्टूडेंट्स का भी एक्सप्रेशन देखते हैं हम लोग कि दुनियेचा विचार हर घड़ी केला अगा जगमे झालो। पोएट कहता है कि मैंने कभी भी ना अपने बारे में नहीं सोचा, हमेशा दुनिया के बारे में सोचा, उनके दुख के बारे में सोचा। असा जगमे झालो, मैं जगमे बन गया, मतलब मैंने हमेशा समाज का विचार किया, हमेशा मैंने ये सोचा कि मेरे से समाज को क्या फ़ायदा होगा। और यही सोच हमारी भी होनी चाहिए कि हम ऐसा कुछ करें जिससे समाज को फ़ायदा हो, हम हमेशा सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचें, ओके। दुख पेलावे कसे, पुन्ना जगावे कसे, या शायद शिख लोग दुख को कैसा झेलना है, ज़िंदगी फिर कैसे गुजारना है, ये मैं इसी दुनिया के स्कूल में सीखा हूँ। देखो ये दुनिया एक सही में एक शाला है, एक स्कूल है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने मिला है, बहुत कुछ आप सीखोगे। अभी तो आपको बहुत ज़िंदगी देखना है, अभी तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखना है, और ये सब चीज़ें जो है ना आप दुनिया के स्कूल में ही सीखोगे। तो अब दुख को कैसा हमें बेयर करना है और कैसे ज़िंदगी गुजारना है वो हमें इसी स्कूल में सीखने मिलेगा। अभी आपकी बहुत ज़िंदगी गुजरना बाकी है स्टूडेंट्स, अभी आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। झोत भट्टीत शेकावे पोलाद तसे आयुष्य छान शेकले, जिस तरह से एक भट्टी में एक मेटल को, स्टील को जैसे गर्म किया जाता है फिर उसको एक नया रूप दिया जाता है, वैसे ज़िंदगी भी, पोएट कह रहा है कि मैं ज़िंदगी को बहुत अच्छे से सीख गया हूँ, बहुत कुछ ज़िंदगी ने मुझे सिखाया। दोन दिवस वाट पाण्यात गेले, दोन दुखात गेले, दो दिन की ज़िंदगी इंतज़ार करने में अच्छी ज़िंदगी का, और दो दिन दुख में गुजरे। तो ये जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ में पोएट ने हमें समझाया कि हमेशा दुनिया के बारे में सोचा मैंने, हमें भी हमेशा दुनिया का सोचना है अपने साथ साथ।
आपको दुख को कैसे सहना है, आप इस दुनिया में ही, इस दुनिया के स्कूल से ही सीखोगे। बहुत सारे एक्सपीरियंस आपको आएंगे जिससे आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और जिस तरह से भट्टी में एक मेटल शेप लेता है, वैसे ही हमारी नई ज़िंदगी भी हमें इस दुनिया के स्कूल से ही मिलेगी। तो आई होप स्टूडेंट्स, ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आई है। और जैसा कि मैंने बोला था पहले भी, अगर कोई चीज़ नहीं समझे तो आप उसको वापस से पीछे करके रिवाइंड करके देख लो। बहुत ही अच्छी पोएम है, 2 दिवस बहुत कुछ सीखने मिला हमें इस पोएम से। ज़िंदगी की रियलिटी को पोएट ने हमारे सामने रखा, ठीक है स्टूडेंट्स। और अब इसका जो कृति है, इसमें पहली जो है कृति पूर्ण करा, रोजची भूक भागवण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या कष्टामुळे। रोज की भूख को पूरी करने के लिए जो रोज़ मेहनत लगती है, आयुष्याचे दिवन वाया गेले, जिंदगी की मतलब दुनिया की जो हमारी जो जिंदगी वो वेस्ट हो गई। या आशयातील कवितेतील ओळ, इसको सूट करने वाली कौन सी पोएम की लाइन है जिसमें भूख और मेहनत के लिए ज़िंदगी बर्बाद हो गई ऐसा लिखा हुआ है? आप ढूंढ के करो स्टूडेंट्स, मैं आपको आंसर बता सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि आप खुद ढूंढो। कविचा सेकेंड क्वेश्चन, कविचा प्रयत्नवाद, कोशिश, आशावाद, होप दाखवणारी ओळ, ऐसी कौन सी लाइन है जिसमें से हमको ऐसा बताया कि पोएट पॉजिटिव है, कुछ अच्छी चीज़ की उम्मीद करता है, वो हार्डवर्क करता है, वो लाइन आपको ढूंढकर लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है, एका शब्दात उत्तर लिहा, कविचे सर्वस्व असलेली गोष्ट क्या है, कवि के सर्वस्व क्या है, सर्वस्व हाथ है ना, एवरीथिंग एक हार्डवर्किंग पर्सन का। कविचा जवळचा मित्र, क्लोज फ्रेंड किसको कहा गया है, राइट, आंसू को, अश्रू को। थर्ड, शब्द समूहाचा कळलेला अर्थ, तुम्हें क्या मतलब समझा, माना उंचवलेला हात, कलम झालेले हात, दरिद्राकडे गहाण पडलेले हात, है ना। आप ट्राई करो अपने से करने की। काव्य सौंदर्य, आपको पोएम की लाइन को डिस्क्राइब करना होता है ना, तो इस तरह से उसको आपको डिफाइन करना है, उसको एक्सप्लेन करना है अपने ओन वर्ड्स में। तो स्टूडेंट्स, ये जो पोएम है 2 दिवस, ये हमारी कंप्लीट हो गई है। और इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम लोग इसके आगे वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, माँ बाप की रिस्पेक्ट कीजिए, माँ बाप की बातों को मानिए, बड़ों की इज्जत कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज हमने इससे सीखा है पोएम से, कि अपने से कम लोगों को देखकर हमें मोटिवेट होना है। हमारे पास कोई अगर चीज़ नहीं है तो हमें नाराज़ नहीं होना है, हमें अपने से कम लोगों को देखना है और खुश होना है कि अल्लाह ने हमें इससे बेहतर ज़िंदगी दिया है, ठीक है स्टूडेंट। और गरीबों की हमें मदद करना है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखे सबको, मुझे भी। अल्लाह हाफिज़।